amalgula.com। बात करते हैं नगर निगम चुनाव से संबंधित। हम आज हमारे अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में आज शहर के यूथ कई कॉलेज के बच्चे हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि क्योंकि इनका पहला या दूसरा वोट ही हो सकता है, इस बार ये कैसा मेयर चाहते हैं और शहर की समस्याओं को लेकर ये किस रूप से देखते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं मनस्वी वोट से। वोट साहब बताइए, मतलब आपको कैसा मेयर होना चाहिए और किस तरह की समस्याएं आप फेस करते हैं, आप बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं आने वाले मेयर और सभासद को देनी चाहिए। सर नमस्कार, हमें आज यहाँ बुलाने के लिए और धन्यवाद आपका। सर मैं यही कहना चाहती, मैं ब्रह्मपुरी क्षेत्र की रहने वाली हूँ मेरठ से। सर हमारे वहाँ पे नालों की समस्या बहुत ज्यादा है, लोग कूड़ा यूं ही खुला सड़कों पर डाल देते हैं, उन्हें कोई टोकने वाले नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो एक तो अवेयरनेस लोगों के बीच में हमें बढ़ानी होगी और जो चुनाव में लोग अपना प्रचार करते हैं साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए कि हम ये समस्या हल करेंगे और असल में हल भी करनी चाहिए। तो एक कूड़ा जो इकट्ठा हो जाता है सड़कों पर, वो खुले बड़े बड़े नाले हैं जिनमें बच्चे जानवर गिर के मर रहे हैं, ये समस्या इस तरीके की हल करने वाला हमारा मेयर होना। मनसुख, कई साथियों ने यहाँ पर एक आवाज उठाई कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए हर वार्ड में एक पुस्तकालय भी हो सकता है, आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी महंगी किताबें लेना, और कुछ लाइब्रेरीज में बहुत ज्यादा हमें पे करना पड़ता है बुक्स बोरो करने के लिए भी कुछ समय के लिए। तो लाइब्रेरी जो होनी चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए कि हम कुछ समय के लिए किताब पढ़ने के लिए ले सके, उससे हमारा बहुत फायदा होगा। आपके क्षेत्र में एक सरदार पटेल स्कूल भी है, कभी आपने देखा होगा, क्योंकि वो नगर निगम ही संचालित करता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या और कितना बेहतर होना चाहिए वो? सर सच बताऊं तो उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने अच्छे से टीचर्स भी वहां पर टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, वहां पे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब कम इन द सेंस कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स। तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, और रीजन ये है कि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे बच्चों को बुक्स सही से प्रोवाइड नहीं कराई जाती, वहाँ पे अच्छा पढ़ाया नहीं जाता। तो इस समस्या का अगर हल हो तो बहुत अच्छा होगा। हम बात करते हैं सावन कन्नू जी से, भले ही इनकी उम्र बड़ी छोटी हो लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं, ये पर्यावरण पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और शहर को करीब से देखते भी हैं। अब नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, अब हम आपसे जानना चाहेंगे और ये सब यूथ जानना चाहेंगे, शहर की जनता जानना चाहेगी, क्योंकि आपने शहर को गली गली मोहल्ले मोहल्ले देखा है, तो यहाँ की महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी समस्याएं कौन सी हैं, जिन समस्याओं से जनता जूझती है, और आने वाले मेयर से आप क्या उम्मीदें करते हैं, शॉर्ट में आप अपनी बात बताइए। बिल्कुल, देखिए हम दिवाली ईद क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन अभी त्यौहार आया है लोकतंत्र का त्यौहार, जो मतदान की तारीख 11 मई हमारे पास आ रही है। सो हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हम अगले 5 सालों में अपने मेरठ महानगर कैसे देखना चाहते हैं, तो वो अब हमारा 11 मई को हमारी एक वोट तय करेगी। तो हमें वोट देना है वेस्ट सेग्रीगेशन पर, हमें वोट देना है वाटर कंजर्वेशन पर, हमें वोट देना है क्योंकि सड़कों पर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब शहर का पर्यावरण बेहतर होगा, जब सांस लेने की स्वच्छ हवा होगी, और जब हमारे पास इतने सीमित मात्रा में पेड़ होंगे कि जो 164 शहरों में मेरठ शीर्ष पर आता है पॉल्यूशन लेवल पर, हम कम अपने आप ही हो जाएं, तभी मेरठ को जैसा कर सकता है। मेरठ वो धरती है जहां क्रांति जन्मी थी, मेरठ वो धरती है जहां से बड़े बड़े क्रांतिकारी जन्मे हैं, तो क्यों ना हम पश्चिमी यूपी के केंद्र में एक ऐसा संकल्प करें और ऐसा नगर निगम काम करे हमारा जिसके पर्यावरण के बेहतर हालत हो सके। हमारे मेरठ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि डंगरों की समस्या है, क्योंकि हम पश्चिमी यूपी का मेरठ केंद्र आता है, यहाँ काफी सारे ऐसे लोग भी जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर के ओर आके बस गए हैं, तो उनकी वही सब वही फीलिंग्स है कि वो भैंसों को नहाने के लिए पाइप से। तो जब हमारे घर में वाटर मीटर्स लगे हुए होंगे, लोगों को एक एक पानी की बूंद का पैसा देना पड़ेगा, लोग कॉन्शियस होंगे। इसी प्रकार हम क्रांति शहर है, हम क्रांति धरा है, तो क्यों ना मेरठ में क्रांति पार्क स्थापित किया जाए। हमारे पास जगह बहुत है लेकिन दृढ़ निश्चय चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। हमारे पास 90 वार्ड है, मेरा मानना ऐसा है कि 90 में से अगर हम लोग 50 वार्ड में भी अगर हम जगह जगह क्रांति छोटे छोटे पार्क स्थापित कर दें, हम उस वार्ड का कूड़े से उसी वार्ड में प्लास्टिक की जो टेबल्स होती हैं चेयर्स उसी पार्क में लगाने के लिए बैठा दें, तो उस जगह का कूड़ा वहीं पर सेग्रीगेट हो गया, वहीं पर यूज हो गया। तो हमें बेसिक सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा, वोट लोकली एक्ट थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और मेरठ महानगर तो वैसे भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर है, तो मेट्रो तो यहाँ आ रही है, हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से शहर हमारा खोखला है, इसे कैसे हम पूर्ति करें, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी सावन जी आपको नगर निगम भी जाने का अवसर मिलता होगा, हो सकता है किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए हो सकता है किसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए हो सकता है हाउस टैक्स ठीक कराने गए हो सकता है अन्य सुविधाओं के बारे में गए हो, वहाँ का रेस्पॉन्स कैसा मिलता है?
रिस्पॉन्स काफी बेहतर है क्योंकि मेरे अधिकारी तो संवाद होते रहते हैं, तो कभी कोई अगर ऐसा करता है कि भाई ये टाइम लगेगा तो मैं बोल देता हूँ सर देखिए नगर निगम आप हमारी सेवाओं के लिए ही है तो आप करिए, मुझे रिस्पांस काफी बेहतर मिलता है और जब मुझे जरूरत पड़ती है किसी उच्च अधिकारी की तो वो सुनते भी हैं बात को। मेरा मानना ऐसा है कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनको हम लोग मेंटोरशिप में लेके चलें और गवर्नमेंट नगर निगमों में जो ये जो संस्थाएं जो शहर के विकास के लिए काम कर सकती हैं वहां जो आईएएस अधिकारी हो यंग आईएएस अधिकारी को भेजे ताकि इनकी सोच एक नई सोच हो और अच्छे से काम हो सके। मेरठ में 15 लोग महापौर के प्रत्याशी हैं जिनमें 2 महिलाएं भी हैं, आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनमें क्या देखना चाहेंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए? अब बात आपने करी दी है मेयर की, जरा मैं मुद्दे पे आ जाऊं। आम आदमी पार्टी की मेयर ये बोल रही है कि अगर हम आ गए तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। अरे भैया अगर वाटर टैक्स माफ ही कर दोगे तो थोड़े बहुत लोग जो पानी को बचा रहे हैं वाटर टैक्स के नाम पे वो भी नहीं बचाएंगे। तो चुनावी मुद्दे दो लेकिन लोक लुभावन दो, लेकिन ऐसे भी ना हो जो हमारी अपने विकास को अपने पर्यावरण को नाश मार दे। तो ठीक है आप आ रहे हैं पार्टी किसी पार्टी का मेयर हो लेकिन वो विकासशील होना चाहिए, विकास पुरुष होना चाहिए या विकास महिला होनी चाहिए। नहीं हो सकता है सावन जी कि आपको कोई दिक्कत ना आई हो क्योंकि आप लोग क्लब से जुड़े हुए रहते हैं और बहुत सारी अधिकारियों से भी आपके संपर्क हो गए होंगे इस दौरान, कहीं ऐसा भी सुनने को जरूर मिला होगा कि हमसे वहां पर पैसा लिया गया हमारी समस्या नहीं सुनी गई, तो ऐसा मेयर भी क्यों ना हो कि जो इन सब चीजों पर अंकुश लगाने वाला हो। निश्चित रूप से मेयर ऐसी या ऐसा ना हो जो एक बार जीत के पार्टी बदलता रहे और लोगों पर ध्यान ना दे, तो मेयर ऐसा हो जो जीत गया है तो लोगों के बीच बीच में जाए। चुनावी सभाओं के लिए तो आप जा रहे हैं खूब बीच में लेकिन जीतने के बाद कहां कौन से वार्ड में कितनी समस्याएं, आपको अपने पार्षद से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। पार्षद चाहे भाजपा का है, पार्षद चाहे AIMIM का है, पार्षद चाहे कांग्रेस का, जब तक आपका कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होगा मेयर का, अगर वो सोचे कि भाई मैं तो भाजपा का मेयर बन गया पार्षद सपा पार्टी का है तो कोऑर्डिनेशन नहीं पाएगा। ये बात करते हैं पामी सिंघल जी से। सिंघल जी अभी समाज में भी शामिल थी तो उन्होंने डॉग्स पर काफी रिसर्च भी किया हुआ लगता है, बहुत सारी जानकारियां भी हैं और डॉग्स के अलावा भी हम ये जानकारी चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो शहर की बड़ी समस्याएं हैं और इनका निवारण हम इनसे उम्मीद करते हैं आने वाले महापौर से कि वो लोग हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे और कैसे करेंगे। काफी समस्याएं हैं जैसे डिस्कशन में काफी लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए बोला, एजुकेशन के लिए बोला, एनवायरमेंट के लिए बोला, बट मेरा मुद्दा आवारा कुत्तों पे ही रहेगा। अब आपने देखा होगा देश में कहीं जगह क्रुएल्टी केसेस हो रहे हैं, आवारा कुत्ते बच्चों पर बूढ़ों पर अटैक कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन है नसबंदी। तो मैं चाहूंगी नगर निगम नसबंदी पे और अच्छे से फोकस करे, अगर आज नगर निगम नसबंदी कर रहा है तो उसको अच्छे से फॉलो करे, जो स्टाफ है वो अपना काम जाने, ये ना हो कि कुत्तों को उठाया 3 दिन में सर्जरी करी और छोड़ दिया, नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छे से करिए, अगर आप मेरी लोकैलिटी से उठा रहे हैं तो आप मेरी लोकैलिटी में छोड़िए, क्योंकि अगर आज आप मेरी लोकैलिटी से उठा के इनके लोकैलिटी में छोड़ेंगे तो अग्रेशन होगा, अटैक होंगे, क्यों नहीं होगा, क्रुएल्टी केसेस भी होंगे। सेकेंड मैं चाहूंगी कि एक एनिमल वेलफेयर एक्टिव टीम हो, हम बच्चे अपने इंडिविजुअल पार्ट पे सब कर रहे हैं बट हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं नगर निगम में गई थी बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वहां पे कोई आता नहीं है आगे हेल्प करने के लिए क्योंकि जानवरों की बात है। तो मैं चाहूंगी जो भी मेयर आए, जो भी चुनाव हो, जैसा भी हो, मेरा मुद्दा रहेगा कि एक्टिव एनिमल वेलफेयर टीम हो ताकि हम जैसे बच्चे उनकी मदद लेके आगे बढ़ सके। हम अपने इंडिविजुअल पार्ट पे कितना पैसा या कितनी हिम्मत या कितनी टीम बना लेंगे, जब तक मेरे पास ऐसे लोग नहीं होंगे या ऐसे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी शहर में। और लास्टली 24/7 गवर्नमेंट बर्थिंग हॉस्पिटल होना चाहिए जानवरों के लिए। मैं 2 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, वहां मुझे कोई भी नहीं मिला था, मतलब कोई ये भी नहीं था कि हम इस कुत्ते को बचाएंगे या हम इस गाय को बचाएंगे, नहीं। अब गायों के लिए काफी सुविधा होने लग गई है, नगर निगम अपनी गाड़ी भेजती है, पर आवारा कुत्तों का आपने हाल देखा ही और सब न्यूज पेपर में सुनते भी होंगे, तो उसको हटाने के लिए हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन की सेफ्टी के लिए मैं चाहूंगी कि एनिमल वेलफेयर एक्टिव टीम हो, 24/7 एक्टिव हॉस्पिटल हो। सिंघल जी नगर निगम की बोर्ड बैठकें होती हैं, आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे क्या हंगामा होता है और कौन कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, किन किन प्रस्ताव पर काम होते हैं, आप इस परिदृश्य से कितना मतलब अच्छा समझती है कितना बुरा समझती है क्या? हम समझते तो सब है बट मुझे तो लगता है डिस्कशन में जो चीजें डिस्कस की जाती है वो थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं बैठती। अगर आज डिस्कशन में हो रहा है कि हम महीने में 1000 कुत्ते करेंगे तो हमें पता है अगर आप 2 डॉक्टरों की टीम हायर कर रहे हैं 1000 कुत्ते हो ही नहीं सकते, कंसिडरिंग कि एक कुत्ते को 6 दिन लगते हैं ठीक होने में। तो नगर निगम स्टेप्स तो बना रही है कि चलो हम अवेयरनेस कैंप करेंगे, हम नसबंदी करेंगे, बट वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं कर रही है। तो मैं चाहती हूँ आप करिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, बट थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीजों को आगे बढ़ाएं। एक संदेश और दे दीजिए, आप यूथ हैं, लेडी भी हैं, मतलब महिलाओं के लिए क्या अच्छा इस शहर में नई बोर्ड को करना चाहिए,
अब जैसे डिस्कशन में हुआ था टॉयलेट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपने देखा होगा इसकी वजह से बहुत इन्फेक्शन भी होते हैं, आपको उन सबको इन्फेक्शन के बारे में पता होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक महिला के लिए हो सकती है कि अच्छे टॉयलेट्स बने, बाजार में बने, मेन रोड पे बने, मेन हाईवे पे पड़े, और थोड़ी अवेयरनेस हो ताकि आदमी कहीं भी जाके यूरिन ना करे, उस चीज को भी हटाया जाए और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उसी से उनका भी हेल्थ वाइज अच्छे से होगा और हमारा भी। तो मेन ये चलिए अब अमन जी से बात करते हैं। अमन जी, अभी आप समाज में भी शामिल थे महिला के, इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर मुद्दे उठे लेकर के, आपका पुस्तकालय से लेकर के पार्कों की बात की, बहुत सारे बच्चे खुले नालों में गिर करके अपनी जान गंवा चुके हैं, आपका क्या कहना है इस शहर के लिए और नए जो महापौर चुने जा रहे हैं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप सब लोग? अगर बात की जाए मेरी, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज्यादा, अभी जैसे हम सब बात कर रहे थे तो किसी ने पार्क की बात करी, किसी ने नाले की बात करी, लेकिन क्या कोई सोचता है कि जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ बस्तियां हैं मेरठ में इतनी सारी, क्या उनके बारे में कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। अगर हम बात करें, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है उन बस्तियों में और वो बहुत उभर के आ सकता है, पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सरकार उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ के सरकारी स्कूलों की, तो वो इतने बेकार है, वहां 3 क्लासरूम है और 300 बच्चा बैठा है, तो वहां किस बच्चे का क्या उद्धार होगा? तो मैं चाहूंगा कि ऐसा महापौर चुना जाए जो कि इन सब चीजों पे भी ध्यान दे, जो महिलाओं की सैनिटेशन के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सैनिटेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर हम बात करें, इतनी सारी मलिन बस्तियां हैं, उसमें हमारी संस्था जाके अगर सैनिटरी पैड्स भी बांटती है, वहां पे लोगों को यही नहीं पता पैड क्या चीज होती है, वो पुराना गंदा कपड़ा यूज कर रहे हैं, उनको जरा सी भी नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो जो महापौर हो वो उस चीज पे भी ध्यान दे। जो बात आई थी वार्ड में एक अस्पताल खोलने वाली, जी बात आई थी वार्ड अस्पताल, जैसे कि किसी एक पड़ोस के प्रदेश दिल्ली में भी चलते हैं, उस पर आपकी कितनी सहमति है? जी बिल्कुल, ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, वहाँ पे डॉक्टर्स कम है और भीड़ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी। तो अगर हर वार्ड में अस्पताल होगा तो वो काफी सुविधा होगी उसकी। देखिए, अभी आपने सुना हमारे शहर के यूथ किस तरीके से अपने शहर को देख रहे हैं और यहाँ की समस्याओं से भी भलीभूत परिचित हैं ये लोग सब, और ये उम्मीद करते हैं यहाँ के मेयर से कि आने वाले चुनाव में जो भी जीत कर आएगा उन वो इन शहर के समस्याओं का शीघ्र निदान करेगा।